हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सनस्टार लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ और स्टॉक मार्केट न्यूज। सनस्टार लिमिटेड का आईपीओ 19 जुलाई से 23 जुलाई 2024 तक खुलने वाला है। ये कंपनी यूनिक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस के मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज्ड है। इस आईपीओ में 4.18 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे, जिनका वर्थ 397.10 करोड़ रुपीस है, और एक ऑफर फॉर सेल भी होगा जिसमें 1.19 करोड़ शेयर्स होंगे, जिनका वर्थ 113.05 करोड़ रुपीस है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 90 से 95 रुपीस पर शेयर और लॉट साइज 150 शेयर्स का है। आईपीओ का अलॉटमेंट 24 जुलाई 2024 को फाइनलाइज होने वाला है। ये आईपीओ बीएससी और एनएससी पर लिस्ट होगा और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 26 जुलाई की है। पैंटोमैक कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि लिंक इंटेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं धुले फैसिलिटी के एक्सपेंशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट को फंड करना, कंपनी के कुछ बोरोइंग्स को रीपे और प्रीपे करना, साथ ही ये इस्तेमाल होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। अब चलिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। सनस्टार लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 1982 और ये फूड, पेट फूड और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए यूनिक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट सॉल्यूशंस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की बहुत सी प्रोडक्ट लाइन है, जिसमें लिक्विड ग्लूकोज, ड्राइड ग्लूकोज सॉलिड्स, माल्टोडेक्सट्रीन पाउडर, डेक्स्ट्रोज, मोनोहाइड्रेट, नेटिव मेज स्टार्चेस, मॉडिफाइड मेज स्टार्चेस और बाय प्रोडक्ट्स जैसे जर्म, ग्लूटेन, फाइबर और फोर्टिफाइड प्रोटीन्स शामिल है। सनस्टार लिमिटेड के दो प्रोडक्शन साइट धुले महाराष्ट्र और कच्छ गुजरात में है, जिनका टोटल एरिया 10.68 मिलियन स्क्वायर फीट है। ये फर्म इंडिया की फिफ्थ लार्जेस्ट मेकर है कॉर्न बेस्ड स्पेशलाइज्ड गुड्स और एडिटिव्स की, विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 363,000 टन पर ईयर। फर्म अपने प्रोडक्ट्स को 49 कंट्रीज में बेचती है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया शामिल है। डोमेस्टिकली ये 22 इंडियन स्टेट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के ऑपरेशंस में 271 लोग एम्प्लॉयड थे, जिनमें 60 परमानेंट स्टाफ शामिल हैं, जो कच्छ और धुले में हेडक्वार्टर्स पर काम करते हैं। इनके पीयर्स की बात करें तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, गुलशन पॉलियोल्स लिमिटेड, सुखजीत स्टार्च और केमिकल्स लिमिटेड इस लिस्ट में शामिल है। अब जान लेते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस। रीसेंट ईयर्स में इंडिया का एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि हाई टेम्परेचर्स और ड्रॉट्स ने प्रोडक्शन को अफेक्ट किया है, बट सरकार की पॉलिसीज और इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होने से फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ देखी गई है। मेज प्रोडक्शन में बूम, बेटर सीड्स, एक्सपांडेड स्टोरेज फैसिलिटीज और इंक्रीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की वजह से मेज प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट जंप आया है। इस वजह से इंडिया अब वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसर बन चुका है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड पूरी करना है एक चैलेंज। लाइव स्टॉक फीड और मेज स्टार्च इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ रही है, जिससे आगे कुछ सालों में डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ज्यादा डिमांड होने का चांस है। मेज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज का एक्सपांशन, मेज प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए मेजर्स और साथ ही इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन प्लान इम्प्लीमेंटेशन करना। सरकार के इनिशिएटिव्स हैं कृषि निवेश पोर्टल, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना और संसद आदर्श ग्राम योजना। ये स्कीम ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में मेजर रोल प्ले किया है। चैलेंजेस के बावजूद इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छी प्रोग्रेस की है। मेज प्रोडक्शन इंक्रीज एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के लिए और एफर्ट्स चाहिए। फ्यूचर में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स और न्यू टेक्निक से प्रोडक्टिविटी और फार्मर इनकम दोनों बढ़ेंगे। चलिए अब जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। Revenue from operations was reported at 1,067.27 crore rupees for financial year 24 against 1,205.07 crore rupees in financial year 23 and 504.40 crore rupees in financial year 22, down by 11.44% in 1 year and up by 111.59% in 2 years. EBITDA was reported at 89.72 crore for financial year 24 against 55.39 crore rupees in financial year 23 and 21.98 crore rupees in financial year 22, up by 61.98% in 1 year and down by 308.19% in 2 years. PAT was marked at 66.77 crore rupees for financial year 24 against
41.81 crore rupees in financial year 23 and 15.92 crore rupees in financial year 22, up by 59.70% in 1 year and 319.41% in 2 years. Total assets for financial year 24 were reported at 527.57 crore rupees against 368.35 crore rupees in financial year 23 and 207.45 crore rupees in financial year 22, up by 43.23% in 1 year and 154.31% in 2 years. Share capital for financial year 24 was reported at 28.09 crore rupees against 28.09 crore rupees in financial year 23 and 29.50 in financial year 22, stable in 1 year and down by 4.78% in 2 years. Total liabilities for financial year 24 were reported at 127.64 crore rupees against 111.70 crore rupees in financial year 23 and 85.22 crore rupees in financial year 22, up by 14.27% in 1 year and 49.78% in 2 years. अब नजर डालते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स पर। सबसे पहले है सेंसटा लिमिटेड इंडस्ट्री में 1982 से है। कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर करती है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज को केटर करते हैं। इसके अलावा सेंसटा अपने प्रोडक्ट्स को 49 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और 22 स्टेट्स में पैन इंडिया प्रेजेंस रखती है। इसके अलावा ग्लोबली प्लांट बेस्ड इंग्रीडियंट्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी में इन्वॉल्व कुछ रिस्क के बारे में। सबसे पहले है स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है। साथ ही सेंसटा के प्रोडक्ट्स हेविली मेज और दूसरे प्लांट बेस्ड रॉ मटेरियल्स पर रिलाई करते हैं। कंपनी हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है और साथ ही ये कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के रिस्क के लिए एक्सपोज्ड है। वी होप कि इस वीडियो के जरिए इस IPO से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंच गई होगी, जो कि आपको मदद करेगी रिसर्च और एनालाइज करने में कि इस IPO में आपको सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। चलिए अब इसी के साथ इतना ही। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए IPO के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे हम आपको स्टॉक रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स और साथ ही रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपके फीडबैक सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।